All credits goes to the respective creator. So please, if you are creator of anything, let me know. I will definitely respect you and give you full credit as per your choice. तो भाई लोगों लोड़ो बहुत मैं बिजी जैसे ले बुरा है पिछली वीडियो में मैं आया नहीं बट अब मैं आ चुका हूँ तो व्यूज भी बहुत आने वाले पिछली वीडियो में सुने में व्यूज नहीं आए मगर हाँ भाई कोई बात नहीं चलता है अब आ जाओ ना बिल्लू तो व्यूज वगैरह भी आएंगे तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक लाइक एम दिया था जो आप लोगों ने कम्प्लीट कर दिया। तो आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट मॉड्स फॉर माइनक्राफ्ट। ये मॉड्स आपके हर वर्जन में वर्क करने वाले हैं और इन मॉड्स को आपके किसी ना किसी फेवरेट यूट्यूबर ने खेला होगा जैसे कि टेक्नो गेमर्स और यस मॉडिफाई। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो का लाइक एम है 10 लाइक्स। अगर आप लोग इस लाइक एम को कंप्लीट कर देते तो मैं आपको एक और ऑसम वीडियो देने वाला हूं। बाकी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है माइनक्राफ्ट बट यू कैन क्राफ्ट इट यूरसेल्फ। तो गाइस इस मॉड के लिए आप लोगों को क्या नाम है एजुकेशन एडिशन ऑन करना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंटल मॉड्स भी ऑन करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल मॉड्स आपको हर मॉड के लिए ऑन करने पड़ेंगे और इस मॉड को एक्टिवेट करना होगा रिसोर्स पैक से और बिहेवियर पैक से। तो चलिए मैं आपको इस मॉड को दिखाता हूँ। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, इसका नाम मुझे नहीं पता मगर इसको राइट क्लिक करके आप लोगों को लगा लेना मोबाइल में सिंपली। और यहाँ इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को सबसे ज़्यादा इसका नाम है बेशन। इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो होगी कि आप लोगों को एक चेस्ट मिलेगा और इसके अंदर ये तीन पता नहीं अलग अलग ही अजीब लोगों को नेदर एटायर में बनाया गजब बेइज्जती है। और हमें यहाँ चेस्ट के अंदर भाई बहुत ही ओपी लूट मिल जाता है, मतलब एंडर पहले गोल्डन मेडल्स वगैरह मिल जाती हैं तो बहुत ज़्यादा ही ओपी लूट है इसके अंदर। और बाकी इनके पास जो नेदर एटायर में अगर हम इनसे लेने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा। तो अभी इसको लावा से जलाते हैं और देखते हैं क्या ये नेदर एटायर में छोड़ता है या नहीं। गाइस 1 लाइक फॉर इस RIP। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है विलेज। तो मैं आप लोगों को सारे चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ सारे मॉड्स, क्योंकि अगर हमने एक एक करके दिखाया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा मैं फास्ट फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। गाइज मैंने अभी आप लोगों को 2-3 स्ट्रक्चर्स दिखा दिए हैं, बाकी आप लोग इस मोड को डाउनलोड करने के बाद खुद ही देख लीजिएगा। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट मोड की तरफ। गाइज दूसरा नंबर पे हमारा मोड आता है माइनक्राफ्ट बट यूट्यूबर ट्रेड ओपी आइटम्स। तो गाइज मैं आप लोगों को एक 2 यूट्यूबर दिखा देता हूँ कैसे ट्रेड करते हैं और ये किसी ना किसी यूट्यूबर ने ज़रूर खेला होगा। तो ये मिथ पैट है और ये मतलब आपके किसी ना किसी फेवरेट यूट्यूबर ने 100% खेला ही खेला है। तो गाइज सिंपली आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल मोड ऑन कर देना है और मैं आप लोगों को एक दो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे मोड की तरफ। तो गाइज तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है ब्लॉक डिसगाइज मोड। इस मोड का नाम है ब्लॉक डिसगाइज मोड और इस मोड को आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हो हाइड एंड सीक में, जैसे कि यस मॉडिफाई इजी 18 रेप एंड ड्रीम बॉय एक हाइड एंड सीक करते हैं उसके अंदर वो लोग इस मोड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो गाइज ये मोड माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए भी है और आप लोग सिंपली इस मोड में इस तरह से हाइड हो सकते हैं, मतलब आपको सेट होना पड़ता है एक जगह पे जाके और थोड़े से टाइम के बाद आप वहीं फिक्स हो जाते हैं। तो गाइज ये मोड बहुत ज़्यादा अच्छा है हाइड एंड सीक खेलने के लिए दोस्तों के साथ। तो गाइज आई रिकमेंडेड कि अगर किसी को हाइड एंड सीक खेलनी है दोस्तों के साथ तो ये मोड ज़रूर यूज़ करें। तो चलते हैं हम अपने चौथे मोड की तरफ। बात गाइज अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए मगर अगर आप लोगों को कोई मोड डालना नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आप उस मोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज अगला मोड मेरा पर्सनल फेवरेट मोड है, मींस ये मेरा पर्सनल फेवरेट मोड है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा 100% इस मोड को यूज़ करो। माइनक्राफ्ट बट योर चॉइस ड्रॉप ओपी आइटम्स। तो गाइज इसके अंदर आप लोग कोई भी है किसी भी तरह का कुछ करेंगे, मतलब ऐसा होता है माइनक्राफ्ट बट यू कैन ट्रेड ओपी आइटम, तो आप इसके अंदर से चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से। आप कोई भी मोड चूज़ कर सकते हैं कि अगर आप शेयरिंग शिप्स करेंगे तो आपको ओपी आइटम मिलेगा, टेकिंग डैमेज आपको ओपी आइटम देगा इस तरह से। तो गाइज ये मेरा पर्सनल फेवरेट मोड है, मैं वर्ल्ड के अंदर देगा के मैं आपको दिखा। अभी मैंने चूज़ किया है माइनक्राफ्ट बट डैमेज टेक्स ओपी आइटम्स। तो गाइज जल्दी से इस मोड को देखते हैं, मैं आप लोगों को फर्स्ट पर्सन मोड में जाके पहले एक बार फर्स्ट पर्सन मोड में चल जाऊँ, उसके बाद मैं आप लोगों को इस मोड को दिखाता हूँ
भाई किस तरह से वेलकम किया जाएगा अभी। तो गाइस इस तरह से वेलकम किया जाता है, मीन्स आप इसमें से अपनी मर्जी का कुछ चूज़ करोगे वो आपको ओपी आइटम्स ड्रॉप करेगा। तो गाइस सबसे बेस्ट मोड है इसमें, मतलब अगर ये डाउनलोड कर लिए तो आप कुछ भी खेल सकते हो इसके अंदर, मतलब ये आपकी बहुत सारी वीडियोज़ बनाने के काम ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो को थोड़ा बहुत हम देखते हैं। और भाई ये कौन आ गया मेरे गेम में? अच्छा भाई ये क्रिएटर है इसका जिसने इस मोड को बनाया, तो वो ज्वाइन और लीव करके ऐसे दिखाता है ऑप्शंस। तो भाई हाँ मैंने डैमेज लिया और भाई व्हाट, मुझे मिल चुका है नेदरराइट ब्लॉक्स, मींस ये ट्रूली वर्किंग है। तो गाइस ये मोड ट्राई कर लो क्योंकि मुझे ओपी आइटम में अभी नेदरराइट मिला है और भाई मैं तो डैमेज लेके नेदरराइट आर्मर ले रहा हूँ। आप लोगों का क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस चलते हैं अपने पांचवें मोड की तरफ, पांचवें और लास्ट मोड की तरफ। तो गाइस हमारे पांचवें मोड का नाम है माइनक्राफ्ट पर डैमेज गिव्स रैंडम इफेक्ट। तो गाइस ये सब मोड सबसे ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि इसमें हमें चैलेंजिंग मोड है एक तरह से, ये जैसे ही हमें डैमेज मिलता है हमें रैंडम तरह के इफेक्ट्स मिलते हैं। तो जल्दी से एक डैमेज लेके मैं आप लोगों को दिखाता हूं। गाइस अभी स्केलेटन मुझे तीर मारने वाला है। ओ भाई तीर मारे इसने। तो अब भी देखो गाइस मुझे एब्जॉर्मेशन और इंस्टेंट हेल्थ मिली है, मीन्स ये दोनों मेरे लिए अच्छा है, अच्छी हेल्थ मिली है। मगर अगर इसमें बैड पोशन जो इफेक्ट भी होते हैं, तो गाइस अगर मुझे कोई बैड इफेक्ट मिल गया तो फिर तो बहुत गलत हो जाएगा। अभी मुझे मिला स्लोनेस जो कि एक तरह से बुरा इफेक्ट है और ये मुझे बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। और भाई वो क्या है विच, इससे पंगा लेने का टाइम आ गया। शाबाश बेटा। तो गाइस यार मैं इसको अटैक कर दिया है भाई। भाई आओ पोशन मारो भाई, मुझे तो कोई अच्छे वाले मिलने वाले। भाई 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 ये क्या मिल गया भाई, इतने सारे मोड। रुको जरा सबर करो। ये कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे भाई, रुक जाओ भाई। इस कुछ भी कर लेना मगर माइनक्राफ्ट की विद से कभी पंगा मत लेना। देखो मेरे साथ क्या हुआ है, चलते हैं अपने आउटरो की तरफ। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई मसला या कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में सबका कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को मॉड डालना नहीं आ रहे तो मुझे बता दीजिएगा। बाय द वे सारे के सारे लिंक्स मीडिया फायर के, एक दो लिंक शायद से किसी और लिंक का, तो वो गाइस करना पड़ता है। तो बाकी गाइस मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मीडिया फायर के लिंक में ही दिया करूँ वीडियो के लिंक्स। बाकी टिल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय।